इसलिए इस मार्केट में अभी इस वक्त घबराना मंदी करने वाले को, तेजी करने वाले को नहीं, तेजी करने वाले को नीचे में मौका देखना है खरीदारी करने का, क्योंकि फेवर में डेटा आपके आते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट संभलती हुई दिख रही है सर, डाउ फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन है, हमें क्या करना है डेज हाई पर? दीप देखिए 17,500 पहली रुकावट है, उसे पार करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हर्डल है बेसिकली 17,625 है, 17,629 का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है आपका। तो बढ़िया तेजी, असली तेजी कहां बनेगी? जब आप 17,630 के पार निकलकर टिकेंगे, बंद हो जाएंगे, तब तक 17,500 से 17,630-625 की रेंज में 125 पॉइंट गिन लीजिए 17। अब अभी आप 17,530 पे है, तो अब जो आगे की 100 पॉइंट की यात्रा है यहां से 17,500 से 17,625 इसमें पोजिशन थोड़ी थोड़ी कम करनी है रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से। यहां पर थोड़ा और बढ़ गया 17,575 पे, 600 पे और 625 पे, थोड़ा वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है वापस से लाइफ हाई पर, आप बंद हो जाते हैं, फिर से फ्रेश और दमदार तेजी कर लीजिएगा। नहीं तो एक बार वहां हल्का होके फिर से इंतजार कीजिए, जब नीचे वापस मौका मिलेगा। अगर अगले एक दो दिनों में, कल आज से फेड की मीटिंग है, परसों एक्सपायरी है, हो सकता है थोड़ी वॉलिटिलिटी रहे, अगर मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली और उसके पहले बड़ा ब्रेकआउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को उस हिसाब से रखें, और इनका और वो इसलिए रखना है आपको, 17,400 के पुट पर है 49 लाख शेयर और 17,400 के कॉल्स पर है 31 लाख शेयर। अब जैसे ही 17,400 के आसपास आएगा यहां पर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश खरीदारी भी। 17,500 को आपने पार कर लिया, अब 17,500 पार करते दीप एक अच्छा काम यह हुआ है, करीबन करीबन 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो 17,500 के ऊपर शॉर्ट हैं इस वक्त, और ये शॉर्ट कवरिंग आपको बाजार को ज्यादा गिरने नहीं देगी। और अगर थोड़ी देर अगर इसके ऊपर और टिक गए 3 बजे तक, तो फिर हो सकता है आपको 17,500 के नीचे की भी क्लोजिंग आज न मिले और क्लोजिंग वापस से 17,500 के ऊपर मिलकर बढ़िया क्लोजिंग हो सकती है, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो 17,500 तक 1 करोड़ शेयर ऑलरेडी आपके शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स, ये रिस्क पर आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से कॉल राइटिंग जो है वही सपोर्ट देती हुई दिखेगी। बाजार ओवरसोल्ड है, सुबह भी कहा था आपको 0.98 का पुट कॉल रेशियो है, अभी भी 1.06 का पुट कॉल रेशियो, ओवरसोल्ड मार्केट है। इसलिए इस मार्केट में अभी इस वक्त घबराना मंदी करने वाले को, तेजी करने वाले को नहीं, तेजी करने वाले को नीचे में मौका देखना है खरीदारी करने का, क्योंकि फेवर में डेटा आपके आते हुए दिख रहे हैं। तो 17,625 के आसपास है, 17,575 से 17,625 इस रेंज में आज प्रॉफिट बुक करना है आपको, अगर निफ्टी ऊपर मिलता है तो, और उसके बाद कल देखें इंतजार करें, कोई दिक्कत नहीं।